हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी बोर्ड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटो राइस की रेसिपी, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है। बनाना बहुत इजी है, ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ में एक रायता भी बनाएंगे। इसके लिए लिया है मैंने बासमती राइस 1 कप। इसे 2 से 3 बार हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका जो भी गंदगी होगा, जो भी स्टार्च होगा, वो निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से 2 से 3 बार हम धो लेते हैं। अगर आपके पास खाना बनाने का समय नहीं है और चावल बचा हुआ रखा है, तो आप बचे हुए चावल से भी इसे बना सकते हैं। तो इसे 2 से 3 बार धोने के बाद इसे साइड में रख देंगे। एक सॉसपैन में मैंने 6 कप पानी डाल दिया है। पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, हम चावल डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा स्पैटुला के हेल्प से चला लेंगे, इसे नीचे से थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 नींबू की रस डाल देंगे। नींबू की रस डालने से चावल हमारा खिला खिला बना रहेगा, और नमक डालने से चावल हमारे फीके नहीं रहेंगे। बीच में मैंने चावल को 1-2 बार चेक किया था, तब नहीं हुआ था। अब चावल हमारा हो चुका है, यानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, इसे छान लेंगे। तो एक स्ट्रेनर के ऊपर रखकर इसे मैं छान लेती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जल्दी से हमारा चावल ठंडा हो जाए और ओवर कुकिंग भी ना हो। तो सारा पानी निकलने के बाद, स्ट्रेन होने के बाद, हम इसे एक बड़ा सा प्लेट में इस तरह फैला के रख देंगे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। उससे हमारा टमाटो राइस अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली को कुछ देर के लिए रोस्ट कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली हमारा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मूंगफली को हम निकाल लेंगे। उसी गरम तेल में हम डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स, यानी सरसों के दाने। इसे भी चटकने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चना दाल। तो चना दाल मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाला है, ये कच्चा चना दाल है। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 ड्राई रेड चिली डाल देंगे, 1 को मैंने तोड़ के डाला है, 1 साबुत डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें हींग। 2 हरी मिर्च को चॉप करके लिया था, वो भी डाल दिया इसमें। अदरक को ग्रेट करके लिया था 1 टीस्पून, वो भी डाल दिया। 7-8 कड़ी पत्ते को भी डाल देंगे, फ्रेश कड़ी पत्ते हैं ये। 2 प्याज को चॉप करके लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है, यानी ब्राउन नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे, जब तक कि प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी सारे सामग्री। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टमाटर, जिसे मैंने चॉप करके लिया था। टमाटो राइस है ये, तो हम इसमें थोड़ा सा टमाटो ज़्यादा डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, पहले भी हमने नमक डाला हुआ था तो उसके हिसाब से हमें डालना है। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, हल्दी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, ये बहुत अच्छा कलर देता है। रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है, तो फिर आप पाव भाजी मसाला, मैगी मसाला, या फिर आप इसमें किचन किंग मसाला भी डाल सकते हो। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मसाला जल ना जाए, इसलिए 2-3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे ढककर पका लेंगे।
तो इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे ढककर पका लेंगे। अब तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं, गैस का फ्लेम लो रख लेते हैं। तो ढक्कन निकाल दिया हमने और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। टमाटो भी हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा कुक्ड चावल, यानी जो बॉईल करके हमने चावल रखा हुआ था वो इसी में डाल देंगे। रोस्टेड मूंगफली भी डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे चॉप करके। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है, आराम आराम से करना है। अगर हम आराम आराम से इसे मिलाएंगे नहीं तो चावल हमारा टूट सकता है, सारा मैसी सा हो जाएगा, टमाटर राइस हमारा खिला खिला नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैं कर रही हूँ, इसी तरह हमें आराम आराम से मिलाना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिट्टा मार देंगे और गैस का फ्लेम लो करके 2 मिनट और इसे ढककर पका लेंगे, ताकि चावल हमारा टमाटो और मसालों के साथ अच्छे से कोट हो जाए और चावल में टमाटो और मसालों के सारे फ्लेवर अच्छे से आ जाए, तभी हमारा टमाटो राइस अच्छा बनेगा। अब हमारा टमाटो राइस बन चुका है। अब लास्ट में हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ती यानी चॉप की हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे साइड में रख लेंगे। तब तक हम एक रायता बना लेते हैं। एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें 1/2 कप दही डाल देंगे। इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे हम। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पानी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसे फेंटने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज डाल दिया मैंने, 2 हरी मिर्च को चॉप करके डाल दिया है, 2 टेबलस्पून चॉप की हुई टमाटो डाल देंगे, 2 टेबलस्पून खीरा डाल देंगे, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती को भी चॉप करके इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ती डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जरूर डालें, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनमें से जो भी मसाला आपको नहीं पसंद है सलाद में या रायता में आप ना डालें। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो इस टमाटो राइस को आप घर पर जरूर बनाइएगा और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या जल्दी है कोई सब्जी नहीं बनाना हो और फटाफट से खाना बनाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर बनाएं। तो इस टमाटो राइस के साथ साथ आप थोड़ा सा रायता लीजिए और उसके ऊपर हल्का सा डाल दीजिए रेड चिली पाउडर, इसे बहुत सुंदर लगता है। साथ में सलाद भी रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बना है, एक बार आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और भी हमारे चैनल पर फ्राइड राइस और जीरा राइस की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो कैसी लगी आज की टमाटो राइस की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।